पॉजिटिव पाए गए हैं। झारखंड में कोरोना के 3 और संक्रमित मिले हैं, 2 हिंदपीढ़ी के हैं और 1 सिमडेगा का ये संक्रमित मरीज है। तो अब कुल संख्या कोरोना मरीजों की 27 हो गई है। झारखंड में कोरोना के 3 और संक्रमित मिले हैं, 2 राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी के संक्रमित मरीज हैं और 1 सिमडेगा के हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, अब कुल संख्या 27 हो गई है। एक बार फिर से आज की अगर बात करें, अभी की 3 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं। और सीधा रुख करेंगे राजधानी रांची की स्थित रिम्स का, जहां पर सहयोगी सत्यव्रत किरण मौजूद है। सत्यव्रत, 3 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, कुल संख्या 27 हो गई है। 2 हिंदपीढ़ी के और 1 सिमडेगा का संक्रमित मिला है और कहीं ना कहीं ये झारखंड की जो तस्वीर है वो अब बदलती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। नहीं, बिल्कुल सही कहा राज आपने कि लगातार झारखंड की जो तकदीर या तस्वीर कहें लगातार बिगड़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार अगर हर दिन की बात करें तो जो कोरोना के संक्रमित व्यक्ति हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में सैंपलों की जाँच की जा रही थी और करीब 182 सैंपलों की जाँच की गई थी राजदा, जिसमें 3 पॉजिटिव पाए गए हैं और ये तीनों पॉजिटिव जो है राजदा, उसमें से 2 लोग जो है वो रांची के हिंदपीढ़ी मोहल्ले के रहने वाले हैं और एक जो व्यक्ति जिसका रिपोर्ट सैंपल पॉजिटिव पाया गया है वो सिमडेगा के रहने वाले हैं। तो जिस तरह से लगातार जो है राजदा वो संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं खतरे की जो घंटी है राजदा वो लगातार बढ़ रही है। अगर झारखंड राज्य की बात करें तो करीब 27 पॉजिटिव लोगों की जो संख्या है वो हो गई है और अगर सूत्रों की बात करें राजदा तो आज हिंदपीढ़ी मोहल्ले से जो 2 लोग सैंपल जिनका आया था, जिनका सैंपल पॉजिटिव पाया गया राजदा, वो उन्हीं के कॉन्टैक्ट हिस्ट्री में थे जिनका कल 3 लोगों का सैंपल आया, कल 3 लोगों को पॉजिटिव पाया गया था, उसी के कॉन्टैक्ट हिस्ट्री में थे जिसे देर रात एम्बुलेंस से लाने में पुलिस कर्मियों ने की मशक्कत करनी पड़ी और उसी के कॉन्टैक्ट हिस्ट्री से आज 2 लोगों का जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आया है राजदा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये मरीजों की संख्या बढ़ रही है, खतरे की घंटी है, जैसा कि आपने कहा है सत्यव्रत किरण। अब चूंकि ये जो 3 संक्रमित मरीज मिले हैं, जाहिर तौर पर ये किसके कांटेक्ट में गए थे, इनसे कौन कौन मिला है, तो उसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? नहीं, बिल्कुल राजदा, मैंने वही बताया कि कल जिस जो 3 व्यक्ति की पुष्टि हुई थी कोरोना पॉजिटिव के, जो हिंदपीढ़ी मोहल्ले के रहने वाले थे और उसके बाद जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो पहुंची थी, देर रात मशक्कत करते रहना पड़ा था और करीब सुबह 5 बजे जो है पॉजिटिव मरीजों को रिम्स के ट्रामा सेंटर में लाया गया था और आज जो 2 लोगों का पॉजिटिव पाया गया है राजदा, उनका कॉन्टैक्ट हिस्ट्री कल 3 लोगों को जो पॉजिटिव पाए गए थे उनके कॉन्टैक्ट हिस्ट्री से है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में रहने के कारण जो संक्रमण का खतरा है वो बढ़ता जा रहा है और अब तक अगर बात करें राजदा हिंदपीढ़ी मोहल्ले की बात करें, बोकारो की बात करें या फिर जो दूसरे जिले हैं वहां की बात करें, तो लगातार वैसे लोगों का पॉजिटिव मिल रहा है राजदा जो कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में रहे थे और लगातार वैसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और उनका सैंपल जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है। कल हिंदपीढ़ी मोहल्ले में 3 लोग जो है वो पॉजिटिव पाए गए थे और उनके बाद जिला प्रशासन ने 3 लोगों जो 3 पॉजिटिव मरीज मिले थे उनके संपर्क में रहने वाले कई लोगों को जो है वो क्वारंटाइन किया गया था, वैसे लोगों का सैंपल इकट्ठा किया गया था और उन्हीं 3 लोगों के संपर्क में रहने के कारण आज 2 लोगों की पुष्टि हो गई है राजदा कि इन दोनों में भी कोरोना के संक्रमण है राजदा। बात अगर सिमडेगा की करें तो ये पहला पॉजिटिव पेशेंट मिला है, उसके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? देगा से जो व्यक्ति की पुष्टि हुई है फिलहाल यही जानकारी आ रही है कि वो जमात के रहने वाले थे और कहीं ना कहीं जमात के कारण जो संक्रमण है वो फैला है, लेकिन फिलहाल राजदा जो सबसे जो बड़ी बात है कि लगातार अब दूसरे जिलों में भी जिस तरह से कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं यह दिखा रहा है कि लगातार कोरोना के खतरे की जो घंटी है वो बजती जा रही है राज्य में और अब रांची, बोकारो, हजारीबाग और कोडरमा के अलावा
अलावा दूसरे जिलों में भी कोरोना के पॉजिटिव जो मरीज मिल रहे हैं, वैसे में कहीं ना कहीं अब ये चिंता का विषय हो गया है कि कहीं पूरा राज्य कोरोना के संक्रमण का शिकार तो नहीं है। यही कारण है कि लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है वो लगातार कैंप करके लोगों का स्क्रीनिंग कर रहा है, हर लोगों का जो ट्रैवलिंग रिकॉर्ड है वो खंगालने की कोशिश की जा रही है, और जो वैसे लोग जो पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में रहे हैं उन्हें लगातार चिन्हित किया जा रहा है, उन सभी का जो सैंपल है वो लिया जा रहा है, और उनमें से कईयों के सैंपल जो है राजदा वो लगातार पॉजिटिव आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो खतरा है अब दूसरे राज्यों में भी बढ़ता दिख रहा है। राजदा, उनके परिवार वाले जो जो अभी पॉजिटिव पाए गए हैं, कुछ बताया गया है होम क्वारंटाइन किया गया है या फिर उन्हें भी वहां से घर पे होम क्वारंटाइन किया गया या फिर उन्हें लाया गया है रिम्स? जो भी लोग हैं उन्हें लगातार चिन्हित किया जा रहा है, उनका सैंपल इकट्ठा किया जा रहा है, कईयों को जो रिम्स के आइसोलेशन वार्ड है वहां ले जाया जा रहा है, और कई लोग ऐसे हैं जिसे होम क्वारंटाइन बोलकर उनके घर पर ही रहने की सलाह दी जा रही है कि आप अपने घर पर ही सुरक्षित तरीके से रहें। जो भी दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिए जा रहे हैं, डॉक्टरों के द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसका पालन करें, और जब तक जाँच रिपोर्ट नहीं आता है तब तक डॉक्टरों के संपर्क में रहें। लेकिन जिस तरह से लगातार संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में रहने के कारण दूसरे व्यक्तियों में जो है वो संक्रमण फैल रहा है, और शायद यही कारण है कि मात्र 14 दिन होने जा रहे होंगे राजदा, जो पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज राज्य में मिला था वो एक महिला थी, मलेशियाई मूल की रहने वाली थी, और 31 तारीख को उसे रिम्स लाया गया था, उसका जो ब्लड सैंपल जो लिया गया था, थॉट सैंपल जो लिया गया था वो पॉजिटिव पाया गया था, और आज करीब 14 दिन होने जा रहे हैं राजदा, और आप समझ सकते हैं कि इस 14 दिनों में 27 कोरोना के और पॉजिटिव मरीज बढ़ रहे हैं, तो कहीं कहीं जो यह आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों के लिए चिंता का विषय है, सरकार प्रशासन और जो स्वास्थ्य विभाग है उनके लिए चिंता का विषय है, क्योंकि हर दिन जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं जो अब लोग हैं उन्हें जागरूक होना होगा, और जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिला प्रशासन जो है उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है, क्योंकि जितना ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या मिलेगी राजदा कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को मशक्कत करना पड़ेगा, स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है उसे ज्यादा काम करना पड़ेगा। राजदा सत्यव्रत, यही वजह है कि आज एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री ने इस मियाद को बढ़ा दी है, अब एक बार फिर से 19 दिनों का लॉकडाउन किया गया है, लोग अभी भी नहीं समझेंगे इसकी गंभीरता को, तो आगे एक और भयावह तस्वीर हमें देखने को मिल सकती है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो भयावह तस्वीर है वो देखने को मिल सकती है राजदा, क्योंकि जिस तरह से लगातार जैसे आज की अगर बात करें राजदा, तो आज सिमडेगा में भी एक युवक में संक्रमण पाया गया है, और जो फिलहाल सूत्रों के हवाले से सूचना आ रही है राजदा कि जो 17 वर्षीय युवक है जिसमें संक्रमण पाया गया है, और वो लोहरदगा गया था, लोहरदगा के किसी जमात में शामिल हुआ था, और शायद आशंका जताई जा रही है कि जमात में शामिल होने के दौरान ही वो किसी कोरोना के पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आया होगा, और उसके बाद आज जो उसका सैंपल जांच किया गया है वो पॉजिटिव पाया गया है, तो अब कहीं ना कहीं लोहरदगा जिला प्रशासन और सिमडेगा के जो जिला प्रशासन है उसका टास्क बढ़ गया है राजदा, क्योंकि अब जिला प्रशासन को उन सभी लोगों को चिन्हित करना होगा जहां यह युवक गया था, किन किन व्यक्तियों के संपर्क में था यह युवक, तो अब जो है रांची, बोकारो, कोडरमा, हजारीबाग के अलावा सिमडेगा और लोहरदगा में भी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई दिख रही है राजदा। सत्यव्रत, जो पहले से क्वारंटाइन किए गए थे लगभग 14 दिनों से ऊपर हो रहे हैं, उनके बारे में अभी तक क्या रिपोर्ट मिल पाई है, उनमें भी क्या कोई पॉजिटिव है, निगेटिव है, उनके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, लगातार जो वैसे क्वारंटाइन में लोग रह रहे हैं उन्हें भारत सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन है उसके तहत उनका सैंपल लिया जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग की अगर माने, जो विशेषज्ञ हैं उनकी अगर माने, तो जब भी कोई व्यक्ति का सैंपल जांच होता है और अगर सैंपल निगेटिव पाया जाता है या फिर पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके 4 दिनों के बाद फिर उस व्यक्ति का सैंपल जो है वो दोबारा जाँच किया जाता है, अगर दोबारा जाँच में भी उस व्यक्ति का सैंपल निगेटिव या पॉजिटिव होता है तो उसके 8 दिनों बाद यानी
यानी कि 14 दिनों में 3 बार जो है वो सैंपल का जांच किया जाता है, उसके बाद जो सैंपल के रिपोर्ट आते हैं निगेटिव या पॉजिटिव, उसके आधार पर जो डॉक्टर हैं वो तय करते हैं कि इस व्यक्ति को और क्वारंटाइन में रखने की जरूरत है या फिर इसे डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो फिलहाल जो लोग हैं, जो 14 लोग थे, उनका लगातार जांच किया जा रहा है, जो उनके सैंपल हैं उसकी जांच की जा रही है। फिलहाल अब तक जो कहें तो उनमें से कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनका अब तक पॉजिटिव पाया गया है, लेकिन एहतियात के तौर पर क्योंकि संक्रमण का खतरा जो है वो बढ़ सकता है और 14 दिनों के का समय लगता है, वैसे में कई बार ऐसा होता है कि संक्रमण का किसी भी मानव शरीर में संक्रमण को विकसित होने में 14 दिनों का वक्त लगता है, तो वैसे में वैसे सभी लोग जो संदिग्ध हैं उन्हें लगातार क्वारंटाइन में रखा जा रहा है, रिम्स में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, और वैसे जो भी संदिग्ध लोग हैं जो पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में रहे होंगे उन्हें चिन्हित कर वैसे लोगों को लगातार आइसोलेशन वार्ड में रखा जा रहा है उनका ट्रीटमेंट।